सो गाइस, अगर आप 2025 में क्लास 10 का फाइनल एग्जाम देने वाले तो उम्मीद है तैयारी चल रही होगी। कुछ कमी है तो कोई ना, हम आज इस वीडियो में फिजिक्स यानी कि भौतिकी का फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का भी ऑब्जेक्टिव लाए, पूरे 50, जी हाँ टॉप 50 भी ऑब्जेक्टिव लाए। और ये चैप्टर भाई साहब प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो समझिए लगभग 80% ऑब्जेक्टिव क्लियर है फिजिक्स का। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर ऑब्जेक्टिव किसी चैप्टर से आता है तो वो आता है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से, और उसी चैप्टर से आप 50 ऑब्जेक्टिव जानने वाले। जी हाँ, एक चैप्टर से आप 50 जानिएगा बस, तो समझ ही जाइए। ठीक, आप क्या कीजिएगा भाई साहब, ये 50 जो ऑब्जेक्टिव है आप यहाँ पे क्लियर करते रहिएगा। जी हाँ, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव आप क्लियर करते रहिएगा कि हमारा सही हो रहा है या फिर गलत। जितना सही हो रहा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी पूरा 50 रट जाना है, रट जाना है एकदम, पूरा 50 तो रट जाना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, या फिर किसी भी दिशा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिए, प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। तो पहला का आंसर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, न्यूनतम यानी सबसे कम, ठीक, निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में। तो प्रकाश का वेग सबसे कम कहाँ होता है, तो कांच में होता है, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, ठीक है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर उत्तल लेंस। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, ठीक है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। जी हाँ, जो शीशा होता है ना जिसमें हम लोग देखते हैं बैक से, ठीक है, पीछे क्या आ रहा है, कौन सी गाड़ी आ रही है, ठीक है, कितने नज़दीक आ रही है, ठीक है, वो सब हम लोग उत्तल दर्पण में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण की ये विशेषता होती है, ठीक है। इसमें डिफाइन पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्लियर करते चलिए, ठीक है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, एक बात हमेशा याद रखिए, जब कहा जाए चालक के सामने लगा रहा है तो समझिएगा साइड मिरर की बात हो रहा है, ठीक है। जब हेडलाइट की बात हो, ठीक, तो हेडलाइट में अवतल दर्पण लगा रहता है, ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण का भी एक अपना विशेषता है कि वो कोई भी लाइट को बहुत दूर तक एकदम सीधा दिखाता है, इसलिए हेडलाइट में यूज होता है ताकि एकदम लाइट एकदम सीधा जाए और दूर तक के वस्तु को दिखे, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। समतल दर्पण यानी कि शीशा, आईना, जो आईना में हम लोग चेहरा देखते हैं तो हमारा जो दर्पण बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक, काल्पनिक या दोनों। काल्पनिक होता है सीधा, वास्तविक होता है उल्टा, ठीक। तो हमेशा याद रखिए भाई साहब, देखिए ना, हम लोग चेहरा देखते हैं तो कैसा बनता है, सीधा ना बनता है। हम लोग का सर ऊपर है तो शीशा में भी सर ऊपर रहता है, ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग का सर ऊपर है और शीशा में देखे तो सर नीचे, नहीं, सर ऊपर ही रहता है, तो काल्पनिक ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट चाहिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स या फिर एंगस्ट्रॉम। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, जी हाँ डायोप्टर। नेक्स्ट है ये, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, ठीक, किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज या फिर इनमें से सभी। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाला, ठीक, तो पथ दर्शाने वाला क्या होगा, किरण आरेख होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये, अब इनमें से सभी रहेगा तो ये रहा कि जिसमें इनमें सभी होगा वो सब इनमें से सभी वाला ही आंसर होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा, ठीक है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर, ठीक है। इसका एक सूत्र है, एकदम सिंपल सा सूत्र है कि P=1/ फोकस दूरी, ठीक। तो भाई साहब P=1/, लेकिन सेंटीमीटर हो तो वो 1 के जगह 100 हो जाएगा, ठीक है, वो मीटर के लिए 1 होता है, तो 100/P, तो 100/ फोकस दूरी, और दिया हुआ है 2D, ठीक है, तो 100/2, तो 2 से अगर 100 में भाई हम डिवाइड करें तो 50 बचेगा, सिंपल जाए तो 50 हो जाएगा, ठीक, यानी 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा, तो 50 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो 2D होगी, सिंपल बात। तो यहाँ पे देखिए 2D होगी, लेकिन प्लस में होगा कि माइनस में, ये हमेशा कंफ्यूज होते हैं लोग, ठीक है। तो उत्तल लेंस है, ठीक, तो लेंस की बात हो तो वो प्लस में होगा, ठीक है, यहाँ उत्तल लेंस है तो वो प्लस होगा, ठीक है, लेकिन हाँ अवतल लेंस रहता तो -2D होता है, तो लेंस भी थोड़ा देख लीजिएगा, तो यहाँ पे +2D। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं भाई साहब, तो हम सब समझते हैं किरणों के समूह को हम लोग कहते हैं किरण पुंज, ठीक है, नाम देखिए ना किरण पुंज, ठीक, क्योंकि पुंज मतलब समूह ही होता है। नेक्स्ट है ये, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ऊपर ही हम बताए भाई साहब की उत्तल लेंस की बात हो तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि घनात्मक होगा, ठीक। नेक्स्ट है ये, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो उत्तल लेंस की घनात्मक होगा तो अवतल का ऋणात्मक होगा, सिंपल सा है। नेक्स्ट है ये, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो अभिसारी, द्वि उत्तल, अपसारी, अभिसारी क्या होता है भाई साहब, केंद्रित करने वाला, ठीक,
जो भी प्रकाश की किरणों को एक जगह पे केंद्रित करे उसे हम लोग अभिसारी कहते हैं। अपसारी उसे कहते हैं जो एक बिंदु से यानी एक बिंदु स्रोत से प्रकाश का फैलाव करे उसे हम लोग अपसारी कहते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा अभिसारी क्योंकि उत्तल लेंस सभी को केंद्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अवतल लेंस को सिंपल उसका उल्टा अपसारी लेंस क्योंकि ये फैलाता है भाई। ठीक, नेक्स्ट है ये निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। ठीक है, यानी कौन सा ऐसा पदार्थ है जिससे लेंस कभी नहीं बन सकता। जल से बन सकता है, जी हाँ जल तो बन सकता है। क्यों बनता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं जल में अपवर्तन होता है। ठीक है, तो वो तो हो जाएगा, कांच में हो जाएगा, प्लास्टिक में हो जाएगा, मिट्टी में ना होगा भाई। मिट्टी से लेंस थोड़ी बनेगा या मिट्टी लेंस की तरह थोड़ी कार्य करेगी, ना 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 ना, मिट्टी नहीं होगा। नेक्स्ट है ये किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, दर्पण से पूछ रहा है। लेंस और दर्पण देखते रहिएगा, समतल, उत्तल, अवतल या फिर कोई नहीं, हमेशा छोटा होता है। तो हमेशा छोटा किससे होता है, उत्तल से होता है भाई, क्योंकि समतल है। ठीक, तो बराबर होगा, जी हाँ शीशा है तो बराबर होगा, जितना हाइट होगा उतना ही प्रतिबिंब होगा। ठीक है, अवतल में बड़ा भी होगा लेकिन कभी छोटा भी होगा, लेकिन उत्तल में ना ना हमेशा छोटा ही होगा। नेक्स्ट है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अवतल में, सिंपल बात, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। हाँ, नेक्स्ट है कौन से नियम है, कमेंट जरूर बताइएगा। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती, अभिलंब से दूर, अभिलंब से निकट या अभिलंब के समांतर या अन्य से कोई नहीं। जब हवा से कांच में करेगी, ठीक, तो भाई कहाँ होंगे, अभिलंब के नज़दीक आ जाएगी, जी हाँ अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी अभिलंब के निकट। नेक्स्ट आइए फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्य होता है, फोटोग्रामी कैमरा का, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य क्या होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो हमेशा याद रखिएगा जो भी फोटोग्राफी का जो लेंस होता है, ठीक, वो हमेशा उत्तल लेंस का होता है, जी हाँ हमेशा याद रखिएगा। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, हम ऊपर बताए साइड मिरर के रूप में, या फिर चालक के सामने बोले तो वो समझ जाइएगा उत्तल दर्पण की बात हो रहा है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या मतलब क्या पूछ रहा है, वो आर पूछ रहा है। ठीक है, तो हम सब समझते हैं आर बराबर क्या होता है, 2f, तो फोकस दूरी 10 है, तो आर बराबर 2f लिखेंगे, तो 2 × 10 यानी कि 20 यानी 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ये निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या फिर इनमें से कोई नहीं, तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। नेक्स्ट है ये सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस, सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप। जी हाँ, मतलब कोई भी चीज़ को हम लोग बहुत जूमिंग में देखते हैं ना, छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ को, तो उसमें उत्तल लेंस के बहुत सारे उत्तल लेंस लगे होते हैं, जी हाँ उत्तल लेंस के बहुत सारे पार्ट लगे होते हैं, मतलब कुछ कुछ समान दूरी पर। ठीक है, ये नहीं कि एक ही उत्तल लेंस लगा होता है, बहुत एकदम समान दूरी पर लगा होता है, लेकिन उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो सिर्फ काल्पनिक उत्तल में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण या फिर परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण या फिर आपतन कोण बराबर विचलन कोण। तो हम सब जानते हैं परावर्तन कोण के नियम से, सॉरी परावर्तन के नियम से दो नियम होता है, तो एक नियम होता है ये आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि जिस डिग्री से प्रकाश की किरण टकराती है किसी वस्तु से, सेम उसी डिग्री से वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, यानी वो आपस चली जाती है, सेम डिग्री एकदम बराबर होता है भाई, तो क्या होगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। नेक्स्ट है ये काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों, कोई नहीं, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा याद रखिएगा सीधा होता है। ठीक, काल्पनिक यानी कि सीधा, जब भी कन्फ्यूजन है समझिएगा कि हम लोग का शीशा में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और हम लोग का भाई साहब क्या होता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है, सिंपल बात। नेक्स्ट है ये लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस की मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ठीक है, दर्पण में एक होता है और लेंस में 2 होता है। सर्च लाइट का परावर्तक स्वतः होता है, तो हमेशा याद रखिएगा हम बोले ना जैसे कार के हेडलाइट में अवतल होता है ना, उसी तरह सर्च लाइट में भी अवतल होता है। ठीक, यानी अवतल का एक खूबी है, उसके अंदर एक विशेषता है, वो किसी भी लाइट को, ठीक है, वो लाइट को एकदम दूर तक सीधा फैला सकता है। ठीक है, एकदम दूर तक सीधा कर सकता है, जी हाँ, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, लेकिन अगर उत्तल में करे तो वो तो भाई सब उत्तल क्या करता है, किसी भी चीज को केंद्रित कर लेता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है, तो दाढ़ी बनाने में हमेशा याद रखे अवतल दर्पण उपयोग होता है, ठीक, प्रयुक्त होता है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो हम आपको बताए थे, ठीक, डायोप्टर का सूत्र बताए थे, जी हाँ 1/f होता है। ठीक, तो फोकस दूरी ही पूछ रहे थे, तो 1/f, तो यहाँ पे कितना है 1, तो इसका 1/f होगा, तो जब सेंटीमीटर में तो 100 होगा,
तो 100 में 1 डिवाइड करेगा तो 100 ही होगा, ठीक। और क्योंकि उत्तर लेंस हो तो प्लस होगा, ठीक, प्लस 100 सेंटीमीटर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवत होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दे देता है तो बच्चे कहते हैं अरे भाई अब तो कैलकुलेशन वाला सिस्टम है। ना ना ना, यहाँ पे माइनस इसलिए दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो हम सब सिंपल सा बात है भाई, सब समझते हैं कि दोनों अवतल होगा, ठीक है, यानी कि अवतल दर्पण में भी माइनस होता है, अवतल लेंस में भी माइनस होता है, ठीक, तो दोनों अवतल हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, सिंपल, ऊपर भी था शायद, ठीक। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का, तो साइन आई बटा साइन आर होता है। जी हाँ, ये हमेशा याद रहेगा, किसी माध्यम के अपवर्तनांक साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या? नियतांक, ठीक। नेक्स्ट आइए, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या इनमें से कोई नहीं, किनारों की अपेक्षा बीच में वो मोटा होता है उत्तल लेंस, हमेशा याद रखिएगा, देखे भी होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है u बाई वी, यू भी यू प्लस भी या फिर v बाई यू, तो अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है भाई साहब? तो प्रतिबिंब की दूरी बट्टा वस्तु की दूरी, यानी कि v बाई यू। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो r बराबर 2f का संबंध है, सिंपल। नेक्स्ट है, ये सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण की, या फिर उत्तल तथा अवतल, तो हमेशा याद रखें कि सोलर कुकर में क्या होता है? अवतल दर्पण का ही होता है। जी हाँ, ये भी बहुत बड़ा मसला है भाई साहब, दूसरे वीडियो में कभी बताएंगे, ठीक है, क्यों किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, चाहिएगा तो इसका भी हिला देंगे। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, या फिर कोई नहीं, उत्तल लेंस में, ठीक। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई साहब? उत्तल लेंस में कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, यानी कि सीधा बनेगा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक। नेक्स्ट है, ये उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो 12 बनता है, 12 और वास्तविक बनता है। जी हाँ, आप प्रकाश किरण रख कर देख सकते हैं, ठीक है, यानी एक उत्तल लेंस बना दीजिए, उसके बाद एफ और 2f के बीच एक वस्तु रख के, ठीक है, उसके बाद प्रकाश निकालेगा तो देखिएगा भाई साहब कि क्या होगा, 12 बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है, यानी कि उल्टा होगा और 12 होगा। नेक्स्ट है, ये दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को हम लोग गोलीय लेंस कहते हैं। नेक्स्ट है, ये वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? बाहर की तरफ वक्रित हो, ठीक, तो बाहर की तरफ वक्रित हो तो भाई सब समझ जाइएगा उत्तल दर्पण, ठीक। नेक्स्ट है, ये गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, तो केंद्र को हमेशा याद रखें क्या कहा जाता है? तो ध्रुव कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर, सेंटीमीटर, या फिर मिलीमीटर, या फिर मात्रक वेन, तो हमेशा याद रखिएगा किसी लेंस के द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होता है, जो आवर्धन प्राप्त होता है, उसका एसआई मात्रक होता ही नहीं है। जी हाँ, यानी मात्रक विहीन होता है, ठीक। नेक्स्ट है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, द्वारक केंद्र, या फिर अक्ष केंद्र, तो हमेशा याद रखिए लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, किसी शब्दकोश यानी किसी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर का अवतल, या फिर 50 सेंटीमीटर का उत्तल, 5 सेंटीमीटर का अवतल लेंस, या फिर 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस। तो देखिए, सबसे पहला तो भाई साहब कि हम लोग पढ़ना है, तो यानी अक्षर हमको बड़ा दिखना है, बड़ा दिखने के लिए उत्तल लेंस होगा, और क्योंकि डिक्शनरी में पढ़ना है तो हम लोग को नज़दीक से देखना होगा, यानी 5 सेंटीमीटर, ठीक। सिंपल क्वेश्चन, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? 1/b + 1/u = 1/f, 1/u - 1/v = 1/f, 1/v + 1/u = 1/f, 1/v + 1/u = 1/f, क्या होगा? तो क्या होगा भाई साहब? तो सबसे पहला ही होगा, ठीक है, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है, दर्पण सूत्र यही है ना। हाँ, बोलिए, दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? CPOF, वक्रता केंद्र को बताइए, वक्रता केंद्र किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? सी से किया जाता है भाई, सिंपल आंसर। नेक्स्ट है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? यहाँ पे छाल नहीं होगा, चाल होगा, ठीक है, यहाँ पे च होगा। चलिए लिख देते भाई, आप बेफिक्र रहें, ठीक, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे चार होगा, CHA, चार, ठीक, खुश, चार हो जाएगा। दंत विशेषज्ञ मरीजों को दंत
का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो किस दर्पण का बड़ा देखने के लिए, बड़ा देखने के लिए किसी दर्पण का उपयोग हो तो अवतल दर्पण हो जाएगा। जी हाँ, लेंस की बात हो तो उत्तल लेंस सीधा ऑपोजिट है। पतले लेंस की आवर्धक क्षमता क्या होती है? तो पतले लेंस की आवर्धक क्षमता क्या होती है भाई? सब कम होती है। नेक्स्ट आइए और लास्ट ये सर, हाँ, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी अधिक होती है। तो बस यही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए। जी हाँ, और कौन से चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बात की अति लघु या फिर लघु चाहिए तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर विजिट करके। बाकी पिछले वीडियो को हम बताए जय परक्रम। जी हाँ, जैसे ये भाई फिजिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर, वैसे ही बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जय परक्रम, उसका भी ऑब्जेक्टिव हम लोग ला चुके हैं, जाकर आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करके बाय।